आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि जानवर तभी इंसानों पर हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या फिर उन्हें उकसाया जाता है, वरना तो वो किसी को भी फालतू में नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते। हाँ, एक हद तक ये बात सही भी है और बहुत से जानवरों पर ये लागू भी होती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह इस दुनिया में पाए जाने वाले जीव भी बराबर नहीं होते। और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो अपनी मर्जी से जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए हमारी आज की वीडियो में इसे देखते हैं। क्रोकोडाइल गुस्टेव फ्रॉम बुरुंडी। दोस्तों, सबसे पहले आप अफ्रीका के बुरुंडी नाम के देश में रहने वाले इस गुस्टेव क्रोकोडाइल के बारे में जानिए। हम आपको बता दें कि इस क्रोकोडाइल की उम्र करीब 60 साल की है और ये पूरी दुनिया में अपने शिकार की वजह से जाना जाता है, जहां इस अकेले क्रोकोडाइल ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और इस देश के लोग इस क्रोकोडाइल को अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अब इन्हें कौन बताए कि 300 लोगों की जान लेने वाला मगरमच्छ कितना ज्यादा खतरनाक है, और ये हर उस बदकिस्मत इंसान की जान लेता है जो बुरुंडी में मौजूद रुजीजी रिवर और लेक टंगनियका के पास जाते हैं और कुछ ज्यादा ही इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे एक क्रोकोडाइल हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्यास बुझाकर उन्हें एक्सपायर कर देता है। हम आपको बता दें कि इस मगरमच्छ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और इस मगरमच्छ को आसानी से पहचाना जा सकता है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसकी बॉडी पर कई सारी बुलेट के निशान है, क्योंकि कई बार इसे हंटर्स द्वारा गोली मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन इन महाशय पर कोई असर ही नहीं हुआ और ये अभी भी लोगों की जान लेने का पूरा आनंद उठाते हैं। हालांकि इस मगरमच्छ के इतने सारे लोगों की जान लेने की असली वजह क्या है, तो दोस्तों, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि इसके बड़े साइज की वजह से इसने ये सोच रखा हो कि ये सिर्फ बड़े जीवों को ही खाएगा और इसी वजह से ये मगरमच्छ विशालकाय हिप्पो को भी खा जाता है। ऐसे में इससे पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं है। द रैपिड ऑफ रुद्रप्रयाग। अब आप एक और खून की प्यासी वाइल्ड कैट के बारे में सुनिए, जो और कहीं नहीं बल्कि हमारे इंडिया के रुद्रप्रयाग की है, जिसने 1918 से लेकर 1926 तक करीब 125 लोगों को मारा है। दोस्तों, उस समय कोई भी चीज इस लेपर्ड को रोक नहीं पा रही थी। हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए कि लोगों ने अपने घर तक छोड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था भाई। जाए लेपर्ड डायरेक्टली लोगों के घर में एंटर करने लगा था। हालांकि दोस्तों, कई सारे लोगों ने इस तेंदुए की तलाश की, लेकिन ये तेंदुआ इतना ज्यादा शातिर था कि हमेशा बच जाता। यहाँ तक कि आर्मी भी इसे मारने में फेल हो गई, लेकिन फिर जिम कॉर्बेट नाम के एक हंटर ने बड़ी ही बहादुरी से इस तेंदुए को मार गिराया। शार्क्स फ्रॉम न्यू जर्सी। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी विशालकाय जीव से दूर रहने में हमारी भलाई है, फिर चाहे वो हाथी जैसे क्यूट जानवर क्यों ना हो या फिर शार्क जैसी खतरनाक प्रेडेटर। पर आज से करीब 100 साल पहले शार्क ने इनसे डरने का हमें एक और बहाना दे दिया, जहां पर 1916 में न्यू जर्सी में शार्क ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उससे पहले लोगों को शार्क से इतना ज्यादा डर नहीं लगता था, पर चार्ल्स वेंसेट नाम के एक व्यक्ति न्यू जर्सी की लोकल शार्क के पहले शिकार बने। दोस्तों, जब चार्ल्स पानी में अपने डॉग के साथ स्विमिंग कर रहे थे, तब शार्क ने इन पर हमला कर दिया और ये अपने आप को बचाना तो बहुत चाह रहे थे, लेकिन तभी इनके पैर और इंटरनल ऑर्गन पर काफी ज्यादा घाव आ गए थे, जिसकी वजह से चार्ल्स बच नहीं पाए। और इस घटना के 5 दिन बाद एक और शार्क का हमला हुआ, जिससे पूरा स्टेट डर गया। और दोस्तों, फिर एक और हमला हुआ जो सी कोस्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शार्क ऐसी जगह पर हमला कर सकती है, लेकिन शार्क ने हमला किया और 2 लोग एक साथ ही मारे गए। हालांकि एक को गंभीर चोट आई, लेकिन वो बच गया। दोस्तों, मीडिया इन बातों को छुपाकर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि लोगों के लिए ये जानना बहुत ही खतरनाक होगा, जहां उन्हें पहली बार में ही पता चलेगा कि शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। पर अब तो हम सभी शार्क के खतरे से वाकिफ हो चुके हैं। द चंपावत टाइगर। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी कैट स्पीशीज मौजूद है, उनमें से टाइगर एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा शिकार करती है। और ये माना जाता है कि जब से टाइगर इस दुनिया में, तब से इन्होंने 3,80,000 लोगों को मौत के घाट उतारा होगा, जिसमें हमारे भारत के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है और कई सारे लोग इसका शिकार हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत की है, जहां टाइगर ने करीब 430 लोगों को मारा था। जहां टाइगर लगातार लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे,
यहाँ तक कि कई सारे लोग तो गायब भी होते चले जा रहे थे। हालांकि शिकारियों ने इनका शिकार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हर बार बच निकलते। हालात यहाँ तक आ गए कि नेपाल की आर्मी को बुलाना पड़ा था ताकि वो टाइगर को यहाँ से हटा दे, लेकिन वो भी इस काम में फेल हो गए, जिससे टाइगर का हौसला और बुलंद हो गया और वो दिन में भी लोगों का शिकार करने लगा। लेकिन अंत में एक जिम कॉर्बेट नाम के हंटर, जिसने रुद्रप्रयाग में उस लेपर्ड को मारा था, उन्होंने इस टाइगर को मार गिराया। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो भैया देर किस बात की है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। द बीस्ट ऑफ गिवाउडॉन। अब दोस्तों, आप इस मिस्टीरियस शिकारी जीव के बारे में जानिए, जिसने करीब 200 लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। जी हाँ, 1764 से लेकर 1767 तक फ्रांस के साउथ एरिया में इसने कई सारे लोगों को बेरहमी से मार डाला। हालांकि ये कौन सा जीव है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई वेयरवॉल्फ है, जिसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन वो दिखाई बिल्कुल भेड़िए की तरह देता था, जिसकी व्हाइट चेस्ट और लंबी पूंछ थी। उसके साथ ही इसकी मसल्स भी काफी स्ट्रांग थी। जहां रिसर्चर्स का मानना है कि ये मॉन्स्टर लोगों को इसलिए नहीं मारता था क्योंकि ये भूखा था, ये तो बस लगातार इंसानों को मारता रहता था। अब जाहिर सी बात है कि एक दो इंसानों को मारने के बाद किसी भी मॉन्स्टर की भूख मिट जाएगी, लेकिन इसकी मिटती ही नहीं थी। जहां ये ज्यादातर सर और गर्दन पर वार करता था, और कई सारे हंटर्स इसे मारने के पीछे पड़े हुए थे, पर अंत में 1767 में इसे मारने में सफलता मिल ही गई। और कई सारे लोगों का कहना है कि इसे बुलेट से शूट किया गया था। पर यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये विशालकाय जीव था तो था कौन, क्योंकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये शेर या हाइना जैसा कोई जीव था। लेकिन इस तरह के जीव की शक्ल भेड़िए से कैसे मिल सकती है, ये बात अभी भी मिस्ट्री है, जिसके बारे में फ्रांस की हिस्ट्री में कई सारी बातें कही गई है, लेकिन उनमें से किसी के भी सच होने का दावा नहीं किया जा सकता। द टसावो मैन ईटर्स। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जंगल का राजा शेर किसी से नहीं डरता और वो अपना शिकार करने में कभी पीछे भी नहीं हटता। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शेर तभी शिकार करते हैं जब उन्हें उकसाया जाए या फिर जब वो भूखे होते हैं, पर एक्सेप्शन तो हर जगह होती है ना, यहां भी होगा। ऐसे में ये दो शेर करीब 100 लोगों को मार चुके हैं, जिनका नाम मैन ईटर लायंस पड़ गया। ये दोनों शिकारी शेर 19वीं सदी के अंत में केनिया में रहते थे, और ज्यादातर ये शेर ब्रिज बनाने वाले वर्कर्स को अपना शिकार बनाते। और उसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये दोनों ही शेर शिकारी होने के साथ साथ काफी ज्यादा शातिर भी थे। इसी वजह से ये इस बात का इंतजार करते थे कि कब ये वर्कर्स काम करके अपने टेंट में आराम करने आए, और तब जाकर ये उन पर हमला करते थे। हालांकि काफी तबाही मचाने के बाद इन दोनों शेरों को गोली मार दी गई और उनकी बॉडी को शिकागो के एक म्यूजियम में रखा गया, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उन पर इस बात की डिटेल से स्टडी की कि किस वजह से ये दोनों शेर इतने ज्यादा शिकार करते थे, जिसके बाद अधिकतर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये काफी अग्रेसिव नेचर के थे, और इसके साथ ही इन्हें बाकी शिकारी शेरों की तरह अन्य जानवरों का शिकार करने को नहीं मिल पाता था, और इसी वजह से इन्होंने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। सांकेबेत्सु ब्राउन बेयर। दोस्तों, 1915 के एंड में जापान के सांकेबेत्सु गांव में एक ब्राउन बेयर ने 9 लोगों को मार डाला था। दोस्तों, ये सब तब शुरू हुआ जब ये विशालकाय भालू खाने की तलाश में इंसानी इलाकों पर पहुंच गया, जहां इसने इंसानों का झुंड देखा और ये तुरंत वहां से भाग निकला। लेकिन 10 दिन बाद ये भालू वापस से उसी एरिया में आया और उसने आर्मी के 2 जवानों को देखा और उन पर हमला कर दिया। हालांकि ये दोनों घायल जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचा ली क्योंकि उनके पास गन थी ना, जिससे डराकर उन्होंने इस भालू को भगा दिया। और इस चीज को काफी दिन बीत गए थे, जिस कारण उन्होंने गांव वालों को इस बारे में नहीं बताया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये भालू दोबारा उस गांव में आया और इस बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, जिसने सबसे पहले एक लोकल फार्मर की बीवी और बच्चे को मार डाला। जिसके बाद मात्र 5 दिन बाद वापस ये भालू लौटा और इसने दोबारा से 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसके बाद एक एक्सपीरियंस हंटर ने इस भालू को पकड़ लिया और इसे मार डाला। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जिस तरह इंसान अपनी सनक में लोगों को मारना शुरू करता है, उसी तरह जानवर भी सनकी हो जाएं तो किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे में आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।